हाई एवरी वन, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट। इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन क्या है? एक पेन है, एक अनप्लेजेंट सिचुएशन है जहाँ पे हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज करते हुए हमें अनकम्फर्टेबल रहता है। यहाँ तक कि कई लोगों में जिनमें स्टिफनेस हो जाती है या फिर जॉइंट में पेन रहता है, कई लोगों को तो लगता है कि बस कमर में बंद होकर हम लेट जाएं, शायद रेस्ट करेंगे तो बेटर फील करेंगे। यहाँ तक कि ब्लोटिंग, पफिनेस, गैस, इनडाइजेशन, ये सारी सिचुएशन भी इन्फ्लेमेशन के केस में हो सकती है। और यहाँ तक कि डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स भी, इन्फ्लेमेशन अगर बहुत टाइम तक रहती है आपकी बॉडी में, कॉन्स्टेंटली चलती है, तो आपको डिप्रेशन जैसी सिचुएशन भी फेस करनी पड़ सकती है। तो करें तो क्या करें, क्योंकि कई लोग तो कहते हैं इन्फ्लेमेशन अच्छी होती है। जी हाँ, अच्छी है। अगर आपको कोई इंजरी है, इसी उसी टाइम अगर आपकी बॉडी हील होना चाहती है तो थोड़ा सा इन्फ्लेमेट होगी, वो सही है, वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है। लेकिन जब ये इन्फ्लेमेशन बढ़ती जाती है, क्रॉनिक बन जाती है और रुकती नहीं, तो ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि फिर वो आर्थराइटिस, ओबेसिटी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का कारण बन जाती है। तो इन्फ्लेमेशन रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। इनफैक्ट थ्री वर्ड्स में कहूँगी, चेंज योर डाइट। अगर आप डाइट चेंज करते हैं तो अपनी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल में कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से फूड्स अगर हम लें जिससे हमारी इन्फ्लेमेशन कंट्रोल रहे, रिड्यूस हो जाए। पर एक बात याद रखिए, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करना मीन्स आपको अपने बॉडी में फ्री रेडिकल्स को रिड्यूस करना है। सो फ्री रेडिकल्स कब रिड्यूस होंगे? जब आप एंटीऑक्सीडेंट फूड्स लेंगे। जब एंटीऑक्सीडेंट्स वाले फूड लेंगे तो आपके फ्री रेडिकल्स रिड्यूस हो जाएंगे। इसी तरीके से जब फ्री रेडिकल्स कम होंगे तो आपकी इन्फ्लेमेशन भी कम होगी। तो हमें वो फूड्स लेने हैं जो बहुत, जिनमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है। और एक बात है, हमारे जितने भी फ्रूट्स हैं दे आर गुड इन एंटीऑक्सीडेंट्स, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। बट देखते हैं कौन से सुपर फूड्स हैं या कौन से सुपर स्टार हमारे फ्रूट्स हैं जो हमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स दे सकते हैं। इसमें सबसे अच्छे हैं हमारे ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, जितनी भी बेरी फैमिली है वो उसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। उसकी वजह से ही वो बहुत कलरफुल होते हैं। तो इसीलिए हमें बेरी फैमिली को नहीं भूलना। बेरी फैमिली आपको जब सीज़न में हो ज़रूर लेना है। और जब सीज़न में नहीं हमें मिल रही ये चीज़ें, तो एक ऐसी फ्रूट है जो पहले हमारे इंडिया में नहीं होता था, अब वो है हमारी कीवी। तो कीवी को नहीं भूलना, कीवी भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। सो फ्रूट्स को अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करें, खासकर बेरी फैमिली। नंबर टू हम देखते हैं कि हमें बहुत सारी वेजिटेबल्स में भी एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। और कौन सी वेजिटेबल्स है जो जैम पैक्ड है एंटीऑक्सीडेंट से? वो है हमारी ब्रोकली। ब्रोकली रिच इन विटामिन सी, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फाइबर, इनफैक्ट उसमें सल्फोरोफेन होता है जो एक यूनिक केमिकल कंपाउंड है। तो ब्रोकली बिल्कुल नहीं भूलेंगे, स्पिनच नहीं भूलेंगे। स्पिनच में भी विटामिन ए, सी, ई, के होता है। तो विटामिन, इतने सारे विटामिन हैं, तो ये एंटी ऑक्सीडेंट भी है और हमारी बॉडी के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। साथ में कॉलीफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में स्पिनच, ब्रोकली और कॉलीफ्लावर, इसको ज़रूर ध्यान रखिए। अब हम बात करेंगे एक फास्टेस्ट वे टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, और हम ड्रिंक्स की बात करेंगे, जिसमें सबसे नंबर वन पे है हमारा वाटर। प्लेन वाटर भी बहुत अच्छा है इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने के लिए। बट उसमें अगर आप लेमन स्क्वीज कर देते हैं या थोड़ा सा टर्मरिक और सिनेमन पाउडर प्लस जिंजर ग्रेड करके अगर आप डाल देते हैं, तो ये जो ड्रिंक है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में। सो क्या करना है, पहले आप देखिए पैन पे वाटर थोड़ा सा बॉयल कीजिए। उसमें हल्का सा बॉईल करेंगे, ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे। उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा टर्मरिक और सिनेमन पाउडर ऐड कर देंगे, हो सकेगा तो जिंजर ग्रेट करके भी उसमें डाल दीजिए। और जब थोड़ा सा वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आने लगे या लूक वार्म हो जाए, उसके अंदर आप लेमन डाल दीजिए। ये जो ड्रिंक है वो सुपर्ब है हमारे इन्फ्लेमेशन के लिए। नेक्स्ट चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है ओमेगा 3। जी हाँ, ओमेगा 3 रिच फूड ज़रूर लें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश एक बहुत अच्छा सोर्स है, पर अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फ्लैक्स सीड और चिया सीड्स बहुत अच्छे सोर्स हैं हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। इनफैक्ट चिया सीड्स, दे आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ फाइबर। सो हमें अच्छे फाइबर्स लेने हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब लेना है, लीन प्रोटीन लेना है, आपको हेल्दी फैट्स लेने हैं। तो इसीलिए आप हो सके तो ओमेगा 3 रिच फूड ज़रूर लें,
और याद रखिए, अगर आपको फूड से सफिशिएंट नहीं मिल रहा तो आप ओमेगा 3 कैप्सूल्स भी यूज़ कर सकते हैं। लास्टली हम बात करेंगे हमारी जो दादी नानी कहती आए हैं, गार्लिक और जिंजर। जी हाँ, गार्लिक और जिंजर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ तक कि जिंजर स्टमक के लिए बहुत अच्छा, अगर आपको ब्लोटिंग है, गैस है, इंडाइजेशन है, तो आप जिंजर ज़रूर लीजिए। जिंजर बहुत जल्दी हमारे फूड को अच्छे से डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, खासकर न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती है। तो जिंजर बहुत 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 अच्छी है। साथ में गार्लिक, अगर आपको कोई भी आर्थराइटिस से प्रॉब्लम है या आपको कार्टिलेज से इशू है, उस केस में गार्लिक आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो ये बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप बहुत जल्दी अपनी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। और ये मत सोचिए कि बहुत लेट हो गया है, बिल्कुल भी। अच्छी हैबिट्स चेंज करने के लिए कभी भी कोई चीज़ लेट नहीं हुई। आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, अपने ईटिंग हैबिट्स को चेंज करना है। चेंज योर ईटिंग, चेंज योर हेल्थ। थैंक यू।